एक्सरसाइज वन पार्ट वन सेक्शन एफ एफ फाइव सेक्शन जी जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी सिक्स। तो पार्ट वन के सेक्शन जी में कोई डाउट? नो सर। पार्ट टू, पार्ट टू सेक्शन एफ तो मेरे ख्याल से पूरा हो ही गया था, है ना? यस। अब उसके बाद सेक्शन जी, जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी सिक्स जी सिक्स। हाँ ओके ठीक है, चलो देख लो जी सिक्स। अब जी सिक्स में है राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। ये राउंड बलून है, ये ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर की आंख है। तो यहाँ पे ये राउंड बलून कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अल्फा, ठीक है, ये आंख है तो यहाँ पे पूरा ये अल्फा एंगल आ रहा है। अब ये जब उसका सेंटर है यहां से हमें डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, ये भी परपेंडिकुलर आएगा 90 डिग्री 90 डिग्री, है कि नहीं? इसको नाम दे देते सी, ये ऑब्जर्वर, ये ए, ये बी, ठीक। अब हमें क्या पूछा गया, इस सेंटर का मतलब हाइट कितनी है ये पूछा गया है। एक और चीज गिवन है, ये जो सेंटर को जब हम ऑब्जर्वर के आंख के साथ ज्वाइन करते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है बीटा, मतलब ये पूरा एंगल यहाँ पे बीटा है। अब तुम बताओ ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल अल्फा था तो ये एंगल कितना आएगा? ये दोनों एंगल अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। देख लो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इसलिए क्योंकि ये पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, उसमें फिर ये साइड लेंथ सेम है, ये भी सेम ही है टेंजेंट्स की लेंथ, फिर ये भी, मतलब तीन साइड्स और एक एंगल सेम है तो इसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये जो एंगल है ये दोनों एंगल भी सेम रहेंगे तो अल्फा दो में बढ़ जाएगा, अल्फा बाय टू एंड अल्फा बाय टू, क्लियर? ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए था, ये रेडियस आर गिवन है और हमें अब हाइट चाहिए और ऑप्शन में दिख रहा है हमें बीटा आर अल्फा इन टर्म्स में है ऑप्शंस। तो ये हाइट है, तो पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए सी ओ, इन ट्राइंगल ए सी ओ, तुम बताओ साइन अल्फा बाई टू कितना आएगा? साइन अल्फा बाई टू आर बाय ओ सी आएगा, तो यहां से ओ सी हो जाएगा आर अपॉन साइन अल्फा बाय टू, ठीक है। अब ये हमें मिल गया ओ सी। अब उसके बाद इन ट्राइंगल सी, इसको नाम दे देते एम, इन ट्राइंगल सी एम ओ, हमें एच चाहिए था, हमारे पास अब ओसी है तो लगा देंगे साइन बीटा। तो साइन बीटा जब लगाएंगे तो वो कितना आएगा, एच अपॉन ओसी, है कि नहीं? तो यहां से एच इज इक्वल टू ओसी इंटू साइन बीटा, मेरे ख्याल से तुम्हें दिख जाएगा वो कितना आ रहा है, क्लियर? यस सर। यहाँ पे वो उसी की वैल्यू पुट कर दो, ये जब साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, तो
तो आर कोसेक अल्फा बाय टू इंटू साइन बीटा, मतलब ये डी ऑप्शन। फिर उसके बाद जी एट सर, जी सेवन, जी सेवन नहीं बना क्या? ये तो फिजिक्स है यार पूरी, इसमें क्या नहीं है बनने लायक। वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? यस सर। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो बस सब तो पता था, क्यों नहीं बन पाया फिर वो? सर मैच नहीं कर रहा सर। मैच नहीं कर रहा, बाकी लोगों का कर गया ना मैच? देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आदमी बैठा हुआ है टावर के टॉप पे, ठीक है, और वो देख रहा है कार मूव कर रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो जीरो जीरो। अरे नहीं पता तुम लोगों को, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? फिर कितना होता है एक्सेलरेशन वो जस्ट? सर यूनिफॉर्म स्पीड में जीरो होगा ना? क्यों होगा? स्पीड चेंज नहीं होगी तो। और एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखो यहाँ पे इसने देखा कि कार अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब कार है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कितना है? 30, ठीक है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 60, क्लियर। अब उसके बाद कार मूव करके टॉवर की तरफ आ रही है सर, वो भी 30 रहेगा ना सर? 30 होगा ना सर? 30, ये 60 और ये 30, हाँ ये 30 आएगा। अब कार यहाँ पे आ गई, अब इसमें जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 है, अब ये जो पूरा एंगल है ये 45 है, तो ये भी एंगल 45 आएगा, ठीक है। यस सर। अब मान लेते इसको ये y है और ये डिस्टेंस है यहाँ पे x, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे जब कार आ गई उसका टॉवर से डिस्टेंस x एंड इसका y, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया गया है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा है? 12 मिनट, मतलब ये y डिस्टेंस कवर करने में 12 मिनट लग गए। और हमें क्या चाहिए? और उसकी हाइट वगैरह कुछ गिवन है क्या? कुछ नहीं गिवन है, ठीक है, हमें तो बाद में टाइम चाहिए था ना। तो वेलोसिटी पहले, वो स्पीड, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड सेम ही रहेगी क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस कितना वाई इंटू 12, तो 12y आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें हम लगाते हैं टैन, ये छोटे इस वाले ट्रायंगल में, इसमें जब टैन 45 लगाएंगे तो कितना आएगा? इसकी हाइट एच ले लेते हैं। सर वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना सर? यस सर। अपॉन में 12 कर दो ना, अपॉन में 12, ठीक है, ये फर्स्ट। यस। अब यहाँ पे एच बाय एक्स ये आ जाएगा tan 45, तो यहां से x इज इक्वल टू h हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो ये tan 30 डिग्री जो है वो कितना आ जाएगा? h अपॉन x प्लस y, x प्लस y, तो यहां से x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन tan, तो मतलब ये रूट 3h, ये सेकेंड, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा? रूट 3 माइनस 1 इंटू h, ठीक, रूट 3 माइनस 1 इंटू h, तो यहां से देखो ये v कितना आ रहा है? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 12 इंटू h, और अब हमें क्या चाहिए था? ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा x डिस्टेंस कवर करने में, तो वो टाइम कितना लगेगा? x अपॉन v, ठीक है, तो x तो कितना है? रूट 3h, या h है, सिर्फ h है, सिर्फ h है, एंड ये जो v आ रहा है वो कितना है? रूट 3 माइनस 1 इंटू h अपॉन 12,
तो एच एच कैंसल आउट हो जाएगा 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1, कैलकुलेट कर लो। नहीं आ रहा है क्या इसके बाद? सर किया सर, पर तुम्हारा ए आ रहा है, गड़बड़ हो गया होगा। ये 0.712 आएगा, 0.72 ले लो, अब डिवाइड कर दो। बाकी लोगों का आ गया ना इसके बाद? सॉरी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक किया सर। जी एट सर 16 के आसपास आंसर आएगा। हाँ, वो 16 में भी बहुत क्लोज मार्जिन दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक काम करना, तुम लोग इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, फिर डिवाइड करो, एंड देन उसके बाद उसको मिनट में कन्वर्ट करो, क्योंकि वो जो बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन है बहुत क्लोज है, अगर देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो ऊपर में 12 × 60 अपॉन, अब डिवाइड करो, तो ये पूरा रिजल्ट सेकेंड में आएगा, तो फिर उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोप्रिएट मिल जाएगा जो भी है। फिर उसके बाद जी एट यस सर, जी एट में टॉवर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्क, ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए, सबटेंड्स एन एंगल 60° एट द फुट ऑफ द टॉवर। मतलब अब इसका एक 2D में ही दिखा पाऊंगा, तुम्हें 3D में एज्यूम करना, ये करना पड़ेगा विजुअलाइज, जैसे ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, सर्कुलर पार्क है, थोड़ा वो अलग तरीके से बनाते हैं, ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और इसमें ये टॉवर खड़ा है, ठीक, और बोला गया ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, मतलब ये ए है और ये बी है, दो पॉइंट्स है इसके बाउंड्री पे, ठीक, सबटेंड्स एंगल 60° एट द फुट ऑफ टावर, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 60° है, ठीक है, और ये जो ए बी डिस्टेंस है वो ए है, तो क्या हम इस सर्कुलर पार्क की रेडियस निकाल सकते हैं? बोलो, ये ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल होगा, क्योंकि ये 60 है और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे और वो 60-60 हो जाएंगे, तो इसकी रेडियस ए आ जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमें क्या बोला गया है, इस टॉवर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम ए एंड ए और बी, मतलब ए और बी से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है, मतलब ये एक तरीके से ये वाला एंगल 30° है, ठीक है, ये वाला एंगल 30° है, तो इसकी हाइट बतानी है, तो ये एच है, यहाँ पे देखना ये वाला एंगल कितना आएगा जो ये टॉवर रेडियस के साथ बनाएगा, 90 आएगा, क्योंकि ये सर्कल इस प्लेन में है, ये मान लो ये व्हाइट बोर्ड है तुम्हारे सामने, जो स्क्रीन है वो व्हाइट बोर्ड है, एक 2D वाला प्लेन है, इसमें ही सर्कल है एंड टॉवर उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर तुम्हें विजुअलाइज करना है तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये 2D में दिखाना है तो इसी तरीके से होगा, वो ये 90° आएगा। अब इसमें हम लगा देंगे, ये 30 है, ये H है, ये A है, तो लगा देंगे tan 30, तो जब tan 30° लगाएंगे तो वो आ जाएगा H अपॉन A, तो यहाँ से H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बाय रूट 3, क्लियर? यस सर। G9 फिर उसके बाद पार्ट 3 में सेक्शन F, F3 तक हो गया था, उसके बाद F4, F5, सेक्शन G, G1, G2, G3, G4,
कोई डाउट? पार्ट थ्री सेक्शन जी, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज टू भी दिया था ना? यस सर। तो एक्सरसाइज टू में पार्ट वन में कहां तक डिस्कस हो गया था? 15 ना? यस सर। ठीक है, उसके बाद 16 17 17 17 में अथर वहां पे 2 की पावर tan x की जगह पे t पुट कर दो, 2 की पावर tan x की जगह पे t पुट कर दिया, अब ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो t इसके बीच में आएगा, अब ये 2 की पावर में tan x है। अब दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा? log बेस 2 का, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, मेरे ख्याल से उसके बाद कर लोगे इसको। ठीक है, क्लियर है 17 अब? यस सर। के बाद 18। ठीक है, अब 18 yes. आने ही वाला है, हम इरेशनल इनइक्वालिटीज देखने वाले हैं तो उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, एफओएम टू में देखेंगे ही, उसके बाद इसको अटेम्प्ट ट्राई करेंगे। ओके सर। हाँ, उसके बाद पार्ट टू में 28 तक जिसका सो 28 तक हुआ था ना। हाँ, फिर उसके बाद 29 30 29 30 कौन सा 30 थर्टी थर्टी में देख लो, ये साइन 3x लेस देन साइन x, तो इस पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x लेस देन 0 लेस देन साइन x, 3 साइन x होगा ना? हाँ, 3 साइन x लेस देन साइन x, तो एक तरफ जब लेके जाओगे तो 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो साइन एक्स की जगह पे थोड़ी देर के लिए टी पुट कर दो, तो यहां से टी बाहर अंदर में 2t बाहर अंदर में 2t स्क्वायर माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट था, इसको फैक्टराइज करो और रूट 2t माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे t की 3 वैल्यूज आ जाएगी, माइनस 1 बाय रूट 3, 0 एंड 1 बाय रूट 3, क्लियर? तीनों को इंक्लूड नहीं करना, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये रीजन चाहिए था। ठीक है, मतलब साइन क्या आ रहा है, साइन x जो है वो ग्रेटर देन माइनस 1 बाय रूट 2 लेस देन 0 और साइन x ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2, तो साइन x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ये y इज इक्वल टू माइनस रूट टू वाली लाइन, वन बाय रूट टू, y इज इक्वल टू वन बाय रूट टू वाली लाइन, इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे हॉलो, फिर उसके बाद ये y इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन है, इनको भी इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे भी हॉलो आ जाएगा सर्कल। अब हमें क्या चाहिए था, साइन एक्स का कौन सा पोर्शन चाहिए जो माइनस वन बाय रूट टू एंड जीरो के बीच में आ रहा है, मतलब ये या तो वन बाय रूट टू से बड़ा, मीन्स ये तो उसके बाद देख लो कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। सर वो तीन रीजन का कंबाइन करके कैसे लिखना सर? तीन का कंबाइन नहीं लिखना है, एक सेटिस्फाइज द इनइक्वेशन, मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसका सबसेट लिखना है। ठीक है, जो भी आंसर तुम लिखोगे उसका सबसेट वहां पे होना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द इनइक्वेशन,
तो हमारा जो आंसर आएगा उसका सबसेट अगर हमें मिल गया तो वो सारे x इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। ओके सर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे इसका आंसर अलग से, इसका आंसर अलग से एंड इसका आंसर अलग से, एंड उन सब में 2n π 2n π ऐड कर देना तो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, ओके सर। 31 में ए एंड बी ऑप्शन, आंसर क्या है 31 का? ए बी है सर। ए एंड बी ऑप्शन ने क्यों पूछा, आंसर ही ए बी है पूरा क्वेश्चन। मुझे लगा दूसरे भी कुछ आ रहे हैं तो मैं सोच रहा था उससे ये प्रूव करते। नहीं सर, 31 का ए बी सी डी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी है क्या? फिर तो बी बी कैसे होगा रे? सर मेरा ए बी आया आंसर की में, ए बी सी डी भी है। 31 का ए बी सी डी है। चलो देख लेते हैं तो हो रहा होगा सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये है तो ठीक है, एक तरफ लेके आ जाओ पूरे को तो वहां से 2 साइन एक्स बाई 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखते एबीसीडी आता है। 2 साइन एक्स बाई 2 बाहर, वहां पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा अंदर। फिर ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये देख लो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा, तो ये तो है कॉस 2x एंड ये है, ये तो कोई नहीं ऐसे रहने दो। तो यहां से हमें दो चीजें मिल रही है, या तो कॉस 2x 0 हो जाए या साइन एक्स बाई 2 1/2 हो जाए, है कि नहीं? कॉस 2x 0 हो जाए या साइन एक्स बाई 2 1/2 हो जाए, और तो कुछ नहीं ना इसमें। ठीक है, ये हो जाए तो cos 2x अगर 0 है तो तुम बताओ sin 2x कितना आएगा? प्लस माइनस 1 आएगा, sin 2x प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो देखो पहले तो ऑप्शन आ गए, एंड अगर sin x बाई 2 1/2 है तो उससे हम cos x निकाल सकते हैं, cos 2x निकाल सकते हैं। cos x कैसे निकालेंगे? 1 - 2 sin square x बाई 2, तो यहाँ से ये 1 - 2 × 1/4 तो 1/2 आ गया। तो देख लो ये आ गया एन एस ए कॉस 2x, क्लियर? यस सर। ऑप्शन उसमें क्या हो गया सीडी में? ए एंड बी आ गए क्या? यस सर। तो ये बताओ अगर बी हमें मिल रहा है तो डी भी तो आ ही जाएगा ना, दो अलग अलग एंगल्स के लिए वहां पे लिखा ऐसे मान लो ना, या नहीं समझे? ये तो चलो तुमने ये किया होगा cos 15x is equal to cos 5x pi by 2 pi by 2 minus 5x किया होगा, है कि नहीं? ये किया? यस सर। यस सर। तुम बताओ क्या यहाँ पे -3 π/2 + 5x ये कर सकते हैं? या -5x सोच समझ के बताओ, लिख सकते हैं क्या ऐसा? क्योंकि पाई बाय टू भी यही पे आएगा, पाई बाय टू माइनस फाइव एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड -3 π/2 भी यही पे आएगा, है कि नहीं? -5x मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लिख सकते हैं
सर। तो दिख गया वहां से, अब आ जाएगा डी। यस सर। और ऐसे ही फिर वो सी के लिए भी कर लेना, वैसे प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस प्लस के साथ लेने पे वो भी मिल जाएगा, सी वाला भी मिल जाएगा प्लस या माइनस के साथ लेने पे। ये दो चीजें हैं, इससे दो ऑप्शन आएंगे एंड इससे दो ऑप्शन आएंगे, और भी बहुत सारे लाए जा सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। लेने के लिए तो 5π/2-5x भी ले सकते थे, लेकिन उससे मिलता जुलता कोई चीज यहाँ पे मिलेगी नहीं ऑप्शन में। ठीक है 33, 34, 35, 34 में tan है ना, तो हो गया 34 में एक काम करो, वो sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू 3 cos² x है, tan में कन्वर्ट करना है तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये cos स्क्वायर x सॉरी tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x इज इक्वल टू 3, तो tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो tan की दो वैल्यू tan x इज इक्वल टू 1 एंड tan x इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। क्या उल्टा कुछ हो गया यहाँ पे, आंसर सी डी होगा ना 34 का? यस सर। हाँ तो आई गया 35, 36 ठीक है, 36 में देख लो, भी एक काम करो तुम लोग, उसको पूरे को या तो कॉस में कन्वर्ट करो या साइन में कन्वर्ट करो, कर सकते हो? यस सर। तो कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 1-cos² x² प्लस cos x की पावर 5। हाँ बोलो सर। अगर हमने वो 4 sin^4x है ना सर, उसको 3 sin^4x प्लस sin^4x में स्प्लिट किया, तो हम sin^4x और cos^4x को 1-2sin²x cos²x लिख सकते हैं सर। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे करो, चलो उसमें से कॉमन आ जाता है। हाँ मान लो इसको ऐसे स्प्लिट करो, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है या रिजल्ट है इज इक्वल टू ये 1, तो इसमें क्या करो आप वो रिजल्ट लगा दो जो मैंने याद करने के लिए बोला था, उसको लगा दोगे तो ये 1-2sin²x cos²x आ जाएगा 1, ये 1-1 कैंसल आउट, तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर एक्स बाहर और ये बचता है 3 sin²x - 2 cos²x, तो ये तो मिल गया होगा साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू n5, ये ऑप्शन तो मिल ही गया होगा, एंड ऐसे ही डी ऑप्शन माइनस n5 एंड n5 एक तरीके से सेम ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों में n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो दोनों से सेम सॉल्यूशंस आने वाले हैं, ये क्लियर है? यस सर। डी वाला क्लियर हो गया अनुष्का? यस सर। क्योंकि दोनों में n की जगह पे इंटीजर पुट करना है, तो देख लो इधर से भी पाई के मल्टीपल्स आएंगे और इधर से भी पाई के मल्टीपल्स, तो सेम एंगल, तो दोनों सेम ही है एडी। अब उसके बाद बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे और वो जैसे वहां पे 1/2 दिख रहा है, इसका मतलब इसको cos 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos 2 x में, इसको पहले साइन में कन्वर्ट करें, cos में कन्वर्ट करते हैं या साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हमें पता है ना क्या लिखा जाता है, 1-cos²x/2 एंड इसकी जगह पे 1+cos²x 2 cos²x की जगह पे इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये कितना, ये 3/2 - 3/2 × cos²x - 1 - cos²x, ये cos²x इज इक्वल टू 0,
तो ये 1 by 2 is equal to 5 by 2 cos 2x, तो cos 2x is equal to 1 by 5 cos 2x, तो 2x is equal to आ जाएगा 2n5 plus minus कितना cos inverse 1 by 5, तो अब आ जाएगा clear. B option कैसे आता है, clear है? Yes sir. अब वो हिंट कहाँ से ली, वो उसी में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली भी कर सकते थे वो टेन में कन्वर्ट करके फिर आ जाता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है. मान लो किसी को अगर ऐसे लिखना है टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री, तो लिख सकता एक्स इज इक्वल टू एन फाइव प्लस माइनस अल्फा, एन अल्फा इज इक्वल टू रहेगा टेन इनवर्स अंडर रूट टू बाई थ्री, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा. अब ये बाद में करेंगे हम इन दोनों को सेम दिखा सकते हैं, ये वाला एंड ये कॉस इनवर्स 1 बाई फाइव, लेकिन उसको अभी टाइम है, अभी नहीं है, वो हम इनवर्स में देखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद 37 38 नहीं है, तो पार्ट टू में किसी का कोई डाउट रह गया? 37 का डी, 37 का डी, और वो तो आसान है ना, cos x आ गया क्या माइनस वन बाई टू, बोलो. यस सर. सर एडी लिख, आंसर क्या है? एबीसीडी दिया है सर और बी सी आ गए. ये नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? सर सर चारों आ जाते सर. नहीं आ रही है, आ रही है. तुम्हारा ए आ गया था क्या? नहीं आया क्या? वैसे तुम इसमें एक काम क्या करोगे, cos x, तो ये देखो ये sin 3x एंड sin x को एक साथ ले लो, तो वहां से मिलेगा 2 sin 2x into cos x plus sin 2x, इधर cos 3x एंड cos x को एक साथ, तो 2 cos 2x 2 cos x प्लस कॉस 2x, तो एक तरफ लेके आ जाओ यहाँ से ये 2 साइन 2x बाहर, अंदर में कॉस x प्लस 1, इसको इधर लेके आ जाएंगे वहां से 2 कॉस 2x बाहर, अंदर में कॉस x प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 2x एंड कॉस x इज इक्वल टू, एक मिनट 2 थोड़ी बाहर आएगा, ये तो अंदर ही रहेगा, and cos x is equal to minus 1 by 2, तो देख लो आ गया a आ गया तो d आ गया. clear है? yes sir. तुमने cancel out कर दिया क्या उसको? yes sir. ध्यान रखो ऐसे मत करो. ठीक है, उसके बाद part 3 में कहाँ तक हो गए थे discuss? sir 13 तक हो गए थे. 13 तक, ठीक है. उसके बाद 14, 13 नहीं सर, उसके आगे भी हुए थे, 16 तक हुए थे सर. 16, ओके ठीक है, 16 तक हो गया. उसके बाद 17, 18, 18 सर, 18, 18 में क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, साइन 3x यहाँ पे, साइन 3 थीटा 4 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, ये साइन 4 थीटा है, इसमें 0 टू 2 पाई के बीच से बोले गए ना, साइन में कन्वर्ट करके करने जाएंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, या तो चलो उससे भी आंसर आ ही जाएगा. एक काम करो, इसको एक्सपांड कर दो. और दूसरी चीज और क्या कर सकते हैं सर? वो बहुत बड़ा आ रहा है सर, एक्सपांड करके करना. हाँ वो बहुत बड़ा जा रहा है, नहीं इजीली बन जाता है, बस इसको तुम अभी एक्सपांड करके लिखो साइन 3x को, तो ये 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स,
ठीक है, साइन थीटा है ना, थीटा, फिर फोर साइन थीटा, साइन टू थीटा, साइन फोर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से एक काम करो, इधर से भी साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे भी साइन है, तो इसका मतलब इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो पूरे में से साइन बाहर, तो बचता है थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन टू थीटा साइन फोर थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो तो एक मिल गया। अब इसमें एक काम करते हैं, ये टू साइन है, टू साइन है, साइन भी वाला फॉर्म दिख रहा है, बोलो तो क्या लिख सकते हैं हम उसकी जगह पे, टू साइन है साइन बी की जगह पे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ तो देख लो, और इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको जब हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स थीटा, हमें पता है क्या होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा होता है कि नहीं। एंड यहाँ पे इसको भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो टू बाहर रहेगा और यह आ जाएगा कॉस टू थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा, यह आएगा, बोलो। Yes. आएगा ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो फोर थीटा माइनस टू थीटा, ये आ जाएगा। Yes, sir. So, वो अब उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे, कॉस सिक्स थीटा को कॉस टू थीटा का ट्रिपल हाँ? एंगल लिख देंगे ऐसा। हाँ एक मिनट रुको, पहले ये तो, हाँ पहले यहाँ पे ये कितना है, कांस्टेंट क्या बचता है, थ्री माइनस टू तो वन, फिर उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, ये देखो ये तो कैंसल आउट ही हो रहा है, कॉस टू थीटा हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, कैंसल आउट, तो फाइनली क्या बचता है, ये टू कॉस सिक्स थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे ख्याल से आंसर तो तुम निकाल लोगे, कॉस सिक्स थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है, अब उसके बाद 19 फैक्टराइज हो रहा है ना रे, नहीं समझा क्या, नहीं हो रहा है फैक्टराइज, मैंने उसे cos 6x को cos 2x का ट्रिपल एंगल लिखा वैसा किया और tan square x को cos 2x में लिखा। एक मिनट, ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, पहले देखो, नहीं हो रहा है, ये cos 6x plus tan square x, फिर उसके बाद हाँ एक काम कर लेते हैं, वो cos 6 के 6x को एक साथ ले लो, तो cos 6x को एक साथ लेंगे तो वहां पे क्या बच जाएगा, 1 plus tan square x अंदर में, एंड एक tan square x को उधर भेज दो, तो ये देखो जब इससे डिवाइड करोगे तो ये 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, तो ये क्या है, cos 2x है, अब सॉल्व कर लोगे आगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना tan आ रहा है, तो जो भी हम सॉल्यूशंस निकालेंगे उसके लिए क्या वो डिफाइन हो रहा है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू, कर लोगे? हाँ सर। बाकी किसी ने और किसी मेथड से किया है क्या, कितने लोगों ने सॉल्व किया पहले ये बताओ, और ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इतने भी आसान क्वेश्चंस मत समझना इनको, कैसे टर्म्स को इधर से उधर करना है, फैक्टराइज करना है या क्या करना है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और इसीलिए मैं बोल रहा था ये टॉपिक अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो फिर आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बाकी टॉपिक्स में, ये इसी तरीके के क्वेश्चंस की वजह से, इसमें वेरिएशंस पता चलते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, हमारे पास लगाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है लेकिन लगाए कौन सा इसमें,
वो मैटर करने वाला था और तुमने सॉल्व ही नहीं किया, और डिस्कशन चल रहा है, 7 बच्चों ने बस सॉल्व किया हुआ है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया, रीजन बताओ जल्दी। सर पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा हो गया, थोड़ा सा बाकी है सर। एक्सरसाइज 1 कितने लोगों ने कंप्लीट कर ली थी? उसमें भी 18-20 बस, दो लोग अभी भी है जिन्होंने नहीं की थी। क्यों नहीं की थी आशीष, आयुष? सर किया है, वो कंप्यूटर हैंग हो रहा है, हैंड रेज नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कितने लोगों ने कंप्लीट किया था? सर आपकी आवाज कट रही है सर, एक मिनट। अब आ रही मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं तनिषा, यहां तक तो कर लिया ना, पार्ट 3 तक? यस सर, लास्ट के 3 सर क्वेश्चन रह गए थे बस। ओके, एटींथ में क्या मिला? cos square 3x is equal to cos square x। अब तुमने किसी और तरीके से किया होगा, आंसर सेम आ रहा है क्या? यस सर। हाँ बस, क्या दिक्कत है भी? मेरे बहुत मेथड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनली जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं, जनरल सॉल्यूशन में भी दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनसे जो एंगल्स आने वाले हैं वो तो सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। फिर यही एक पार्ट 3 कर लेते हैं, पार्ट 4 को बाद में देख लेंगे। 20 ठीक है, 20 उसमें tan थीटा प्लस साइन अल्फा, साइन फाइव, tan थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू 3/2, ये दिया गया है, एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू दिया गया है 7/4। तो पहले हमें वो tan थीटा, मतलब थीटा के टर्म्स में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग से निकालना पड़ेगा, एंड फाइव के टर्म्स में अलग से एक निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसके लिए अब एक काम करते हैं, यहां से tan थीटा उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस साइन फाइव का स्क्वायर, ये cos स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 7/4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9/4, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस 3 साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये cos स्क्वायर फाइव, तो ये साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव 1, और ये 9/4, तो 9/4 प्लस 1 हो जाएगा 13/4 माइनस 3 साइन 5। अब उसको जब उधर भेज देंगे तो 3 साइन 5, और इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 6/4, तो यहाँ से साइन 5 जब निकालेंगे तो वो आ जाता है 1/2, है कि नहीं? ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, और साइन फाई अगर 1/2 आ गया तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? 1। अब तुम बताओ यहाँ पे थीटा प्लस फाई, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दिया गया, थीटा प्लस फाई 0 to 2π है, तो फाई की पॉसिबल वैल्यूज बताओ उसके अकॉर्डिंग। तो हम π/6 ले सकते हैं,
हम 5 5 by 6 ले सकते हैं, है कि नहीं? फिर उसके बाद आगे तो और नहीं ले सकते हैं। थीटा, थीटा के लिए क्या क्या ले सकते हैं? 5 by 4, 5 5 by 4, ठीक है। अब तुम ही बताओ ये थीटा प्लस 5 मैक्सिमम कौन सा आएगा, सोच समझ के बताना थोड़ा। हमने ये 2 पाई तक ही क्यों लिया, क्योंकि थीटा प्लस पाई 0 to 2 पाई है, तो इसकी वजह से 2 पाई तक का ही लेना था, तो वो ले लिया। अब थीटा प्लस पाई हमें मैक्सिमम चाहिए, तो थीटा प्लस पाई अगर हम दोनों की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो आ सकता है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। बट हमें ये थीटा प्लस पाई किसके बीच में दिया गया है, 0 to 2 पाई, तो ये तो ले ही नहीं पाएंगे, क्लियर? ठीक है ना, ये नहीं हो पाएगा। 5 5 by 6 एंड थीटा 5 5 by 4, ये दोनों वैल्यूज ये नहीं ले पाएंगे एट अ टाइम, क्योंकि दोनों ले लिया तो दोनों का जो सम है वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा ना, हमें क्वेश्चन में बोला गया 2 पाई से छोटा, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब थीटा हो जाएगा 5 5 by 4 एंड पाई हो जाएगा 5 by 6, तभी वो सम मैक्सिमम भी आएगा एंड 2 पाई से छोटा भी रहेगा, क्लियर? ठीक है, तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। हम जल्दी जल्दी में क्या कर लेंगे, उसकी मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम सम कर लेंगे और देखेंगे भी नहीं कि कंडीशन क्या गिवन थी, जल्दी जल्दी में वही आंसर लिख देंगे इन दोनों का सम, लेकिन वो गलत हो जाएगा। कंडीशंस को भी हमें देखना था, 0 to 2 पाई है सम, तो ये तभी होगा पॉसिबल जब हम इसको 5 5 by 4 लेंगे एंड इसको 5 by 6, तो वो मैक्सिमम भी आएगा एंड 2 पाई से छोटा भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद 21, में क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन 0 to 2 पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस फॉर एक्स, तो क्या उसको हम टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे को, बोलो? Yes. कॉट मतलब 1/10 एंड यहाँ पे ये 2 into 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x इज इक्वल टू 1, टेन एक्स की जगह पे टी ले लो एंड उसके बाद इसको सॉल्व कर लो एंड जो भी आंसर आएगा फाइनली उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना जरूर, क्योंकि वहां पे कॉट आ रहा है, ठीक है, कर लोगे? यस सर, क्योंकि अब इसके बाद पॉलिनोमियल बनने वाला है टेन में, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा और वो फैक्टराइज भी हो जाएगा इजीली, दिख गया 23 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है? यस सर, 1 plus 2 plus 4 है ना, 23 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, वो जब सारे 1 1 हो जाएंगे तभी पॉसिबल रहेगा, और ऐसा कोई भी थीटा नहीं मिलेगा जिसके लिए सारे एट अ टाइम 1 होंगे, तो इसकी वजह से इसका आंसर 5 है, ठीक है। और वो लास्ट 24, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है सर। हाँ बोलो सर, वो आप इसका एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का 13 क्वेश्चन ले सकते हो क्या सर? मैं लास्ट टाइम नोट नहीं किया था, ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो कौन सा पार्ट 2 का 13? पार्ट 3 का 13, पार्ट 3 का, अरे यार वो लेंदी है बहुत, बाद में सर आप बस हिंट दे दो सर, मैं कर लूंगा। हिंट ही उसकी, उस टाइम पे भी हिंट ही दी थी कि उसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की 3-4 वैल्यूज आती है, ठीक है, एंड अल्फा माइनस बीटा की भी 3-4 वैल्यूज आती है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की यहाँ से एक वैल्यू उठानी होती है, यहाँ से एक अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, एंड उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालना होता है, इसका ध्यान रखते हुए कि वो 0 एंड पाई के बीच में आए, ठीक है। ओके सर, ट्राई करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन।
नेक्स्ट इसमें पूरी मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे, सॉल्व करके रखना ठीक है, और सभी लोग सॉल्व करना, ये नहीं कि सात लोग कर रहे हैं या आधा कर रहे हो, क्योंकि एक दिन का गैप था बीच में और क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं थे, वो पार्ट हम एक्सरसाइज टू के मेजर ज्यादातर क्वेश्चंस तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज थ्री भी कंप्लीट कर लेना ठीक है, ये होने के बाद फिर मैं डीपीपी से होमवर्क दूंगा। और ये एग्जाम में आने वाला है तुम्हारे ट्रीगो, पूरा ट्रीगो आने वाला है कि नहीं, और कितने लोगों की तैयारी हो चुकी है एग्जाम की? 6% सीरीज बाकी है थोड़ा। क्या बाकी है? सीक्वेंस सीरीज बाकी है, 4-5 लोग हाथ खड़े पर पा रहे पूरे कॉन्फिडेंस से, बाकी लोग नहीं हुई क्या कौशल पूरी तैयारी? आर्या, अथर, उसी टाइम पे मैंने बोला था तुम लोगों को जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाती है उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना हर दिन, ठीक है? अब अगले एग्जाम में तो ध्यान रखना, वरना लास्ट मोमेंट में लोड आ जाता है जबरदस्ती का, आज फिर जगोगे रात भर है कि नहीं कंप्लीट करने के चक्कर में, सही कह रहा हूं ना निर्मिति? वो है ही नहीं, अब्सेंट, सही कह रहा हूं ना हर्षिता? ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर में क्यों अब्सेंट है समर? समर आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ बोलो सर। वो एक्चुअली ब्रॉडबैंड में ना कुछ नेटवर्क मतलब वो डाउन हो गया था, उसको जस्ट नेटवर्क ही आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, तो हम अब FOM 2 के ऊपर आ जाते हैं, एक बार वो सारी चीजें रिवाइज कर लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, आगे और क्वेश्चंस करते हैं उसके। ठीक है सर, उसमें भी एक होमवर्क था। हाँ वो भी देख लेंगे, एक बार वो रिवाइज कर लो सारी चीजें, ग्राफ वगैरह कैसे होते हैं।
चलो ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा था बताओ सर? उसमें था कि क्वेश्चन दिया था एक मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू इनटू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा है ना? तो नो सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन ऐसे होगा ऑप्शन है ना? नो सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन इनफिनिट सॉल्यूशन, ये तो हम इसका ग्राफ बना चुके थे, ये यहाँ पे थ्री आता है, yes, है ना? जीरो पे माइनस वन आता है वो भी देख चुके थे, एंड वन पे ये कितना आता है माइनस थ्री हो जाता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस वन कॉमा थ्री, इसके है जीरो कॉमा माइनस वन एंड इसके है वन कॉमा माइनस थ्री। तो तुम ही बताओ यहाँ पे अब नो सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे इसको कहीं पे कट या टच नहीं करनी चाहिए, तो तुम लोग बताओ लैम्डा क्या होगा फिर? थ्री से बड़ा या माइनस थ्री से छोटा? लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री ओपन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, मतलब लाइन या तो इसके ऊपर रहे या इसके नीचे रहे, क्लियर? सेकेंड में क्या था? वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, तो तुम बताओ लैम्डा किसके बीच में आएगा? थ्री से माइनस थ्री, माइनस थ्री से थ्री है कि नहीं? इसके बीच में कोई भी लाइन तुम ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह पे कट करेगी, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। थर्ड सर, उसमें एग्जैक्टली लेना था कि एटलीस्ट एग्जैक्टली एग्जैक्टली फाइव लैम्डा बिलोंग्स टू फाइव, ऐसी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें नहीं मिलने वाली है जो उसको दो जगह पे ही कट करेगी या टच करेगी, तो इसकी वजह से उसका आंसर फाइव रहेगा। एंड फोर्थ वाले का जब इनफाइनाइट की बात हो रही है तो थ्री या माइनस थ्री में से कोई भी, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा वो लाइन दोनों ओवरलैप कर जाएंगी, एंड लाइन अगर ओवरलैप करेंगे तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ये देख लो ये दो लाइंस आ जाएगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो इस तरीके से इसका आंसर ही आ जाएगा। तो यही आया था सभी लोगों का, कितने लोगों का यही आया था? पंद्रह, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ हो गया उससे रिलेटेड ये सारी चीजें हो गई, और वो लॉग वाला भी एक दिया था, दो तीन क्वेश्चन दिए थे ना? हाँ सर, क्या था बताओ वो? पहले में क्या था? मॉड ऑफ लॉग एक्स, मॉड ऑफ लॉग एक्स इतना ही था? हाँ सर, पहले में इतना था, दूसरे में ठीक है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, चलो तुम कहाँ पे जीरो होगा ये? वन पे, ठीक है। अब वन से बड़ा अगर हम एक्स को लेंगे तो लॉग की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, एंड वन से छोटा लेंगे तो निगेटिव, एंड यहाँ पे ध्यान रखना वन से छोटा मतलब हम माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। लॉग डिफाइन होगा, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो पहली केस है उसमें एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, और जब वो मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है मीन्स एक्स लेस देन वन, और लॉग भी डिफाइन होना चाहिए उसकी वजह से एक्स ग्रेटर देन जीरो होना भी जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे ओपन होगा माइनस के साथ, क्लियर? यस सर, तो लिख लो इसको। एंड दूसरा क्या था? अरे वापस एक्सप्लेन करो ना लॉग एक्स वाला। अरे बेटा ये लॉग तो डिफाइन होना चाहिए सबसे पहले। यस सर, लॉग का ग्राफ ये होता है, होता है, और हमने देखा हुआ है लॉग का साइन पॉजिटिव कब आता है, निगेटिव कब आता है,
जब लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड उसका बेस यूनिटी के सेम साइड है, मतलब दोनों वन से बड़े या दोनों वन से छोटे, तो लॉग पॉजिटिव वैल्यू देता है। यहाँ पे लॉग है मतलब बेस टेन है, अंडरस्टूड? Yes, तो अगर हम एक्स को वन से बड़ा लेंगे तभी लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। Yes, तो ग्राफ से भी देख लो, ये वन होता है, जब हमने एक्स को वन से बड़ा लिया तभी तो ये वाला पोर्शन मिलेगा ग्राफ का, उसमें लॉग कैसा रहेगा? पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। एंड जब नीचे वाला पोर्शन लेंगे जिसके लिए एक्स क्या होगा, जीरो टू वन, जीरो टू वन होगा एक्स, ठीक है, तो उसमें लॉग की वैल्यू निगेटिव, मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट, वाई इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस मॉड ऑफ लॉग एक्स माइनस वन। तो इसमें अब कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है? दो, वन और टेन। दो, एक तो जीरो एंड एक ई, सॉरी टेन, टेन ना, क्योंकि ये जीरो टेन पे होगा। Yes, क्योंकि लॉग वन टेन पे होगा तो ये वन माइनस वन जीरो, तो टेन एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसका वन है, सॉरी वन एंड टेन, ठीक है। तो तीन केसेस बनेंगे, तो सबसे पहली केस जब एक्स को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन लिया है तो ये वाला लॉग पॉजिटिव वैल्यू देगा एंड इससे भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि लॉग की वैल्यू वन से बड़ी रहेगी जब हमने एक्स को टेन से बड़ा लिया है, तो ये वन से बड़ा माइनस वन तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये भी पॉजिटिव के साथ, तो हमें मिलेगा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस वन। अब उसके बाद जब x को 10 से छोटा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले रहे, अब ये तो मॉड चलो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा क्योंकि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ क्योंकि अगर हमने x को 1 से 10 के बीच में लिया तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी, माइनस वन निगेटिव, तो ये प्लस के साथ, अगला वाला माइनस के साथ ओपन होगा। एंड लास्ट में एक्स लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि लॉग डिफाइन होना जरूरी है, ग्रेटर देन जीरो तो दोनों मॉड निगेटिव के साथ ओपन होंगे क्योंकि दोनों के अंदर की क्वांटिटीज निगेटिव है, तो ये आ जाएगा। क्लियर? यस सर। कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। मॉडुलस इनइक्वेशंस के बारे में देखते हैं। किसी का बाकी क्या लिखना? ठीक है, तो आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, मॉडुलस इक्वेशंस। अभी तो हम मॉड को डिफाइन करना, उसका ग्राफ वगैरह सारी चीजें देख रहे थे, अब उसके इक्वेशंस एंड उसके इनइक्वालिटीज देखेंगे उसके बाद। मॉडुलस इक्वेशंस, मॉडुलस इक्वेशंस। तो मॉडुलस इक्वेशंस में कुछ प्रॉपर्टीज है वो सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो मॉड एक्स है या मॉड ए है, ये क्या कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, ये हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर? मॉड हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यू देगा, मतलब या तो जीरो या पॉजिटिव। जीरो कब? एक ही केस में, जब अंदर की क्वांटिटी जीरो है, अदरवाइज तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। क्लियर? उसके बाद अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं मॉड एक्स इज इक्वल टू ए,
ये एक इक्वेशन है अब, ठीक है, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एक्स ही कर लेना, ये एक्स एंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, अब यहाँ पे मॉड एक्स इज इक्वल टू ए है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, अगर इफ ए इज निगेटिव तो तुम लोग बताओ एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी क्या, सोच समझ के बताओ। नहीं सर, अगर नहीं। हमने ए को निगेटिव ले लिया तो मॉड कभी निगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या? नो सर, नहीं नो सर, हमेशा वो पॉजिटिव होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो उस केस में हमें एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी और वो रहेगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। रीजन है इसके पीछे, अब ये ए अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज है कि नहीं, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वेयर, तो मॉड एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू एस का स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर लिखो चाहे मॉड एक्स का स्क्वेयर लिखो एक ही बात है, एंड ए स्क्वेयर को इधर लेके आ जाओ, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ए, ऐसी दो वैल्यूज आएगी एक्स की, क्लियर क्लियर है क्या सर? आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन बता सकते हो क्या? सेकेंड में क्या है बेटा, तुम दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पे बताओ अगर मान लो मैं मॉड एक्स इज इक्वल टू टू लिख रहा हूँ, तुम बताओ क्या टू का मॉड भी टू ही आता है? यस सर। एंड माइनस टू का मॉड भी टू ही आता है? यस सर। यस। तो वैसे ही अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू मैं टू लिख रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू टू या माइनस टू दोनों में से भी कोई एक हो सकती है कि नहीं, है ना? यस सर। सेम चीज यहाँ पे है, अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव तभी ए, ठीक है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स प्लस माइनस ए, या तो उसको करने का तरीका ये देखने का कि दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, तो मॉड एक्स का स्क्वेयर लिखो या एक्स का स्क्वेयर लिखो एक ही बात है, फैक्टराइज होके एक एक्स की दो वैल्यूज, ठीक है, और क्या कह रहे हो, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में मॉड होगा तो स्क्वेयर करके कर सकते हैं क्या विदाउट केसेस? नहीं, उसके लिए दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी का होना जरूरी है। हाँ, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज तुम्हें पता है, फिक्स पता है कि वो है, तब तो फिर स्क्वेयर करके कर लो, वो हो जाएगा इजीली, लेकिन अगर नहीं पता है दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज है या नहीं है तब तो फिर मत करो। और एक क्वेश्चन में मैंने किया था स्क्वेयर करके, क्योंकि वहां पे दोनों तरफ मॉड लगे हुए थे, याद करो एक्सरसाइज टू का पार्ट वन का ही क्वेश्चन था जिसमें दोनों तरफ मॉड थे, तो उसको स्क्वेयर करके किया था क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज थी, वरना क्या हो जाएगा, तुमने जबरदस्ती स्क्वेयर कर लिया, मान लो साइन एक्स इज इक्वल मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है और स्क्वेयर करके सॉल्व कर रहे हो, तो फिर इसमें एक्स्ट्रा रॉन्ग सॉल्यूशंस भी ऐड हो जाएंगे। उसके पीछे का रीजन ये है, ये कॉस एक्स अगर निगेटिव हो रहा है तब तो हमें यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला था, लेकिन अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते तो इधर भी ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वेयर भी पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो वो सॉल्यूशंस ऐड हो जाएंगे, इसलिए नहीं करते हैं। स्क्वेयर तभी करना होता है जब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है, और नहीं अभी तो नहीं बोल सकते ऐसे डायरेक्टली मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई, उसके एक कंडीशन होती तभी बोल सकते हैं, ये भी देखेंगे, पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या? यस सर। और स्क्वेयर करके कब करना है, मान लो स्क्वेयर करना है तो जब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज होगी तब, मतलब दोनों तरफ मॉड लगे हुए हैं और हमें केसेस नहीं बनाने हैं, तब तो फिर उसको स्क्वेयर करके सॉल्व करेंगे और इजीली आ जाता है, विदाउट केसेस आंसर मिलेगा उस वहां पे, लेकिन एक तरफ मॉड एक तरफ नहीं है
एंड जहां पे मॉड नहीं लगा हुआ है उस क्वांटिटी के बारे में भी हम श्योर नहीं कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है हमेशा, तब तो फिर केसेस बना के हो गया सर। हाँ बोलो सर, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या बोला एक बार बोल सकते हो क्या? यही बोला मैंने, ये जो दो पॉइंट्स है। ठीक है सर, ठीक है। थर्ड पॉइंट अब पर ये दिया हुआ है, मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देखो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन हुआ है, कौन से साइन के साथ ओपन हुआ है मॉड? पॉजिटिव। तो ये कब पॉसिबल होगा? एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। When f of x is greater than or equal to 0, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, है कि नहीं? अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है mod f of x is equal to f of x, ये तभी होगा जब mod के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही होगी, क्योंकि तभी तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन हो पाएगा। इसका मतलब f of x greater than or equal to 0 करके हमें इसका आंसर मिलेगा। एंड अगर ये है mod f of x is equal to minus f of x, तो इस केस में मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी? नेगेटिव, लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब इक्वल टू इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगर जीरो हो रहा है तब भी तो ये सेटिस्फाई होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इस वजह से यहां पे भी ठीक है। तो अगर हमें इस तरीके की चीज क्वेश्चन में मिल रही है मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, f of x greater than or equal to 0 होगा। एंड अगर या तो ऐसी चीज मिल रही है तो यहाँ पे f of x less than or equal to 0 होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर ये है मॉड ए इंटू मॉड, मॉड के अंदर में ही है दोनों का प्रोडक्ट, तो इसको हम दो सेपरेट मॉड के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देन मॉड के अंदर में ए बाई बी है, तो इसको हम दो सेपरेट मॉड के डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है। सर हाँ बोलो सर, वो लास्ट पॉइंट में जो आपने बताया, हाँ अगर एफ ऑफ एक्स गिवन होगा कि वो जीरो है, तो फिर वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो प्लस है या नेगेटिव है? एफ ऑफ एक्स जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वहां पे तो इजीली मिल जाएगा, फिर कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन ऐसा गिवन रहता है, मैं बता, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू मॉड इज इक्वल टू, तो फाइंड एक्स, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो कैसे निकालेंगे, ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ, इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो वहां से हमें एक्स मिलेगा, ठीक है। ओके सो ओके, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट देख लो जल्दी जल्दी लिखो। ये एफ ओ एम टू एक पूरा बेसिकली मॉड के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी मॉड से रिलेटेड चीजें हैं, फिर ये मॉडुलस इनइक्वेशंस, मॉडुलस इक्वेशंस, एंड देन लास्ट में एक आता है इरेशनल इनइक्वालिटी। अगर रूट में ट्रिगो एंड क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटीज है, नहीं उसमें भी डायरेक्टली स्क्वेयर करके नहीं कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में भी अगर एक तरफ अंडर रूट और एक तरफ कोई क्वांटिटी विदाउट अंडर रूट वाली क्वांटिटी है तो नहीं। सर अगर वो पॉजिटिव होगा तो फिर कर लेना, अगर मान लो अंडर रूट है ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है
तब तो फिर स्क्वायर करके सॉल्व करो, लेकिन अगर हम श्योर नहीं है ये पॉजिटिव है या नहीं है, फिर तो वो जो मैं अभी इरेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा उससे उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यस सर। ये हो गया। अब उसके बाद एक मेन पॉइंट, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई रहता है। एंड यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी तुम लोग बताओ, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? सोच समझ के बताओ, ये तो हमेशा रहता है, ठीक है? ये इसको एज अ तुम आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, कोई भी एक्स एंड वाई की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करो, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई हमेशा इससे बड़ा आएगा। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? एक्स एंड वाई दोनों सेम साइन के होंगे, यहाँ पे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू, अगर ये दिया हुआ है, इज पॉसिबल ओनली व्हेन दोनों सेम साइड के होंगे, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, हमें यहाँ पे गिवन रहेगा कुछ, यहाँ पे कुछ गिवन रहेगा इस मॉड के अंदर में, n इज इक्वल टू उन दोनों मॉड, एक मॉड के अंदर में उन दोनों का सम रहेगा, तब तो फिर वहां पे वो हमें समझ जाना है कि वो कब पॉसिबल होगा, जब ये x एंड y का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद अगला, ये हो गया, ये चीज देख पा रहे हो क्या तुम लोग, या बताना पड़ेगा एग्जांपल लेके? नो सर, क्या देखे सर? क्योंकि देख लो, अगर तुमने एक्स एंड एक एक्स को पॉजिटिव ले लो और वाई को निगेटिव ले लो, मान लो एक्स को वन ले लिया वाई को माइनस टू ले लिया, तो ये वन और ये टू आएगा और इधर तो वन बन जाएगा, तो देख लो ग्रेटर देन तो हमेशा आ रहा है, लेकिन जब दोनों को सेम साइन का लिया है, ये वन और ये टू, तो ये थ्री और इधर भी थ्री, इक्वलिटी होल्ड करेगी, या तो दोनों को माइनस माइनस लिया है तो माइनस वन का मॉड वन, माइनस टू का मॉड टू, तो थ्री, एंड इधर माइनस थ्री बनेगा उसका मॉड भी थ्री, इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब दोनों सेम साइन के होंगे, मीन्स दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तब भी इक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है? तो इसके वजह से यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है। फिर फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सिक्स्थ में ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई रहता है हमेशा। अब यहाँ पे बताओ इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे, दोनों अपोजिट साइन के होंगे, इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट में स्वानंद ये देख लो, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हमेशा रहेगा, तुम कोई भी एक्स एंड वाई की वैल्यू ले लो, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है? मान लो हमने दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव ले लिया, एक्स की जगह पे वन एंड वाई की जगह पे टू, तो इधर थ्री आएगा एंड इधर वन, तो ग्रेटर देन तो हो रहा है, लेकिन जब हमने अपोजिट साइन का लिया है
एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो देख लो x को 1 एंड y को माइनस 2, तो इधर 3 एंड इधर भी 3 बन जाएगा, मतलब इक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है? यस सर। उसके बाद 7, ध्यान से देखना इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y इज लेस देन और इक्वल टू रहता है मॉड x प्लस y, हमेशा कोई भी तुम x एंड y की वैल्यू ले लो, एंड अगर इससे छोटा रहेगा तो वो मॉड x प्लस मॉड y से तो छोटा रहेगा ही, तो इसके वजह से वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिखेंगे मॉड x प्लस y से छोटा रहेगा। एंड तुम लोग बताओ यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ध्यान रखना यहाँ पे मॉड x माइनस मॉड y, दो मॉड का डिफरेंस है एंड उस पूरे के ऊपर मॉड लगा हुआ है, अब यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी बताओ सर, अपोजिट साइन क्यों होगी तो? सोच समझ के सेम साइन क्यों होंगे, बस सोच, दो ही तो पॉसिबिलिटीज है, या तो सेम क्यों होंगे या अपोजिट क्यों होंगे, अपोजिट साइन, अपोजिट क्यों होंगे तब, ठीक है? एक एग्जांपल लेके भी देख लिया करो, अपोजिट क्यों होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, इसका मतलब x * y लेस देन और इक्वल टू 0 जब होगा तभी ये यहां पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है? एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट है 8, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, मॉड के अंदर में ये दोनों मॉड का डिफरेंस, लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, ये हमेशा होगा। अब यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करती है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो वो कब करेगी बताओ, बोलो सेम साइन के, सेम साइन क्यों नहीं, जब सेम साइन के होंगे, क्लियर? तो इसमें किसी को कोई डाउट, चलो ठीक है। एंड एक और चीज, मान लो किसी क्वेश्चन में मॉड है, इधर मॉड एफ ऑफ एक्स है एंड इधर मॉड जी ऑफ एक्स है, अरे बेटा इनइक्वलिटी वाला, तुम एग्जांपल से देखो ना, एग्जांपल में बोल रहा हूं ना, वैल्यूज ले लो एक्स एंड वाई की जगह पे, तुम्हें दिख जाएगा क्लियरली, अब तीन में समझा दिया एग्जांपल लेके, वहां पे समझे, लास्ट वाले में क्यों नहीं समझ रहे हो, थोड़ा सा सोचो भी ना ये कब पॉसिबल होगा। यहाँ पे हमने अगर मान लो एक्स को ले लिया, ये बढ़ कैसे गई इसकी डार्कनेस, एक मिनट, हाँ x की जगह पे ले लो 1 एंड y की जगह पे, y की जगह पे ले लो 2, तो इसमें पुट करो ये 1 का मॉड 1 माइनस 2 इस पूरे का मॉड 1 एंड इधर भी जब पुट करोगे तो 1 ही आएगा, एंड अब दोनों को माइनस ले लो एंड पुट करो तो देख लो दोनों का मॉड सेम आएगा, तो दोनों चीजें सेम आएगी, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब दोनों सेम साइन के होंगे, ठीक है? और ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक के ऊपर मॉड लगा हुआ है और एक के ऊपर नहीं लगा हुआ है, तो फिर उसको तुम केसेस बना के सॉल्व करो, ठीक है? मतलब मॉड को डिफाइन करने के लिए केसेस बनाओ, जो हमने देखा है ना स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसमें मॉड को डिफाइन कैसे करते थे हम लोग, केसेस बना के वैसे ही केसेस यहाँ पे बनाओ, मॉड को डिफाइन करो एंड देन सॉल्व करो, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो ये जितनी भी यहाँ पे भी 8 प्रॉपर्टीज हुई है,
क्लियर है सारी? एंड ये जो लास्ट की चार प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर क्वेश्चन ये इक्वलिटी वाले बनते हैं अगर बनने होंगे तो, ठीक है? यस सर, आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ सर, आप बोर्ड पे लेने वाले थे ना क्लास सर? हाँ देखता हो रहे, इसमें दिक्कत हो रही है क्या तेरे को? नो सर, बस अभी हो ही जाएगा, ऑफलाइन का कुछ ना कुछ आ ही रहा है तो आ जाना वहां पे बोर्ड पे सीख लेना, ठीक है? अभी पता नहीं लेकिन हाँ डेट कौन सी है अभी फिक्स नहीं है डेट, लेकिन ज्यादातर सुनने में आ रहा है, नहीं तो मैं बोल रहा, मुझे भी नहीं पता है। जैसा कि बाकी जगहों पे 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र में भी कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है? हाँ सब पढ़ लेना बोर्ड पे अच्छे से एकदम, ठीक है? आप सेकंड वाला पॉइंट एक बार बता सकते हो? सेकंड वाला पॉइंट कहाँ गया? अरे तूने पूछा था ना, वो तूने तो पूछा है वो सेकंड, तो तुझे एक्सप्लेन भी कर दिया था अंशु, एग्जाम्पल दे के भी नहीं समझ रहे हो तुम तो। सर एक्चुअली मैं वो जब पूछ रहा था तो मैंने लिखा ही नहीं उसी। देखो रिकॉर्डेड में तुम्हें मिल जाएगा, टाइम भी हो गया है, ठीक है? उसमें नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है? तो सर समझ गया, वो सब लिखा नहीं। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही है।